दोस्तों, काराकाट लोकसभा में जो नवी नगर विधानसभा है, वहां पे जब से श्रेया वाला कांड हुआ है, तब से इस कांड पे कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। ना कोई नेता उनके घर जा रहा है, ना पुलिस प्रशासन कुछ कर पा रहा है। मंगलवार के दिन से ये घटना, इस घटना की शुरुआत हुई थी मंगलवार के दिन, जब वो बच्ची ट्यूशन जा रही थी, कोचिंग पढ़ने जा रही थी, तो वहां से उस बच्ची को अगवा कर लिया गया था। और उसके बाद का कांड तो बेहद शर्मनाक है, जो बोलने लायक नहीं है। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, मैं आपका भाई शुभम सिंह। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काराकाट नवी नगर में जो कैंडल मार्च बच्चियों ने निकाला था, हमारी बहनों ने मिलकर काराकाट में नवी नगर में कैंडल मार्च निकाला था श्रेया को इंसाफ दिलाने के लिए। उस कैंडल मार्च में कुछ ऐसी चीजें मैंने देखी सुनी जिसको देखकर सुनकर आंखें नम हो गई, पता है, जिसको देखकर सुनकर आंखें नम हो गई, इंसान इमोशनल हो गया। इस वीडियो में नारे लग रहे हैं, राजा राम कुशवाहा जो वहां के अभी वर्तमान सांसद हैं, जीते हैं, उनके अगेंस्ट में नारा लग रहा है, उनके खिलाफ नारा लग रहा है। और पवन भैया जिंदाबाद बच्चियां बोल रही हैं, यानी उन बच्चियों को पवन भैया पर विश्वास था। पर अफसोस कि अब पवन भैया के हाथ में वो पॉलिटिकल पावर तो नहीं है। जो सपना हम लोग लेके गए थे, वो सपना तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि जाति में सिमट के रह गया, जाति में सिमट के रह गया ये वोटिंग वहाँ का। आज भी लोग जात पात से ऊपर नहीं उठ पाए। हम लोगों ने क्या नहीं बोला, कलाकार का कोई जात नहीं होता। पवन भैया ने ये तक बोल दिया था कि मैं काराकाट के लोगों के जान भी दे दूंगा अगर देना पड़े तो। किसी सांसद ने आज तक बोला है? किसी सांसद प्रत्याशी ने अभी तक बोला है? किसी ने ये बोला है कि अपने सांसद का जो वेतन आता है, सैलरी आता है, उससे भी बहन बेटियों की शादी कराऊंगा? किसी ने बोला है? बोला है तो बता दीजिए, पवन जी को छोड़कर, पवन भैया को छोड़कर। क्या कर रहे हैं वहां के सांसद अभी तक? प्रशासन क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठी है? क्यों? क्योंकि वो राजपूत समाज से आती थी, यही किसी दूसरे समाज की बेटी होती तब तक भगदड़ मच गया होता। भगवान ना करे कि किसी बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसा हो। क्या वो राजपूत समाज से थी इसलिए कोई नहीं सुन रहा है? और हमेशा से जब भी राजपूत समाज के साथ ऐसा होता है, कोई नहीं सुनता है, कोई नेता कोई मंत्री नहीं सुनता है, हमेशा से यही होता है। इतिहास में भी हम राजपूतों ने अकेले अपनी लड़ाई लड़ी है, किसी ने सहयोग नहीं दिया, अकेले अपने तलवार के दम पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब डेमोक्रेसी आ गया, अब लोकतंत्र आ गया, अब वो जमाना नहीं रहा। और हर राजपूत परिवार सक्षम नहीं है, हर राजपूत परिवार पावरफुल और पैसा वाला नहीं है, उसमें भी ऐसे लोग हैं जो जूझ रहे हैं, जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। क्यों श्रेया के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है? क्यों? हालांकि पवन भैया जाएंगे, ऐसा आया है रिपोर्ट कि पवन भैया जाएंगे काराकाट, सब लोग मिलने जाएंगे, लेकिन अफसोस हम लोगों के हाथ में वो पॉलिटिकल पावर नहीं है, नहीं रहा। ऋतिक भाई ने भी पोस्ट किया था कि हमारे हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं रहा, वरना उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए इंसान लड़ जाता, लड़ जाता, लड़ के उस बेटी को इंसाफ दिलवाते हम लोग। पर अफसोस, जैसे भी होगा, जो भी होगा, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। पूरा पावर स्टार पवन भैया का टीम खड़ा है। पवन भैया सांसद बने या ना बने, ये मैटर नहीं करता है। पवन सिंह दिल के अच्छे आदमी हैं। पवन सिंह सांसद रहे या ना रहे, सबसे पहले वो एक अच्छे इंसान हैं और दिल के राजा आदमी हैं, बाद में कुछ हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा। और माननीय सांसद जी, राजा राम कुशवाहा जी, जनता देख रही है, अगला बार में समझ में आ जाएगा अगर ऐसे रहा तो। जनता ने विश्वास दिखाया है तो विश्वास पे कायम उतरिए, कायम करिए, विश्वास पे खड़ा उतरिए। आपसे यही अनुरोध है। बैठे बैठे तो वोट मिल गया, खेला खेल गए, लेकिन अफसोस देखिए आज भी कोई लड़की सुरक्षित नहीं है। हमको तो लगा था ये सब जमाना गया, लेकिन नहीं, आज भी ऐसे बहरूपी तेजाब लेकर हाथ में घूम रहे हैं। आज भी ऐसे बहरूपी हैं हमारे समाज में जो तेजाब की बोतल लेकर घूम रहे हैं। और कब कौन सी बेटी को शिकार बना लेंगे, कौन सी बहन को शिकार बना लेंगे, किसी को नहीं पता है।
ऐसे काराकाट के लोग अपने आप को सेफ महसूस करेंगे आपके राज्य में, आपके जीतने के साथ ये सब चीजें शुरू होंगी। क्या यार, क्या मैं बोलूं, हम लोग उस बहन बेटी के परिवार के साथ हैं और हम लोग भी काराकाट आएंगे। चलिए, नमस्कार।